Hello guys, welcome back. Today I teach all of you that's math of class 9th of factor. बच्चों आज आपका ये टॉपिक है फैक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणनफल। ये फैक्टर है जिसको हिंदी में कहते हैं गुणनफल। ठीक है, आप लोग इसके पहले बहुत से टीचर्स के द्वारा फैक्टर पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन आज मैं आप लोगों को फैक्टर का एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, जो कि आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ठीक है, इसका क्या करना है, आपको फैक्टर करना है। इसका फैक्टर करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, ये जो क्वेश्चन है इसमें मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, मध्य टर्म को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। इसमें जब आप क्या करेंगे, इस 5y को टू पार्ट दो भागों में आपको ब्रेक करना है ना। तो क्या यहाँ से y स्क्वायर को कैसे राइट करेंगे, माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6। ये टर्म और इस टर्म को आप सेम राइट कर देंगे, ये जो क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इसको आप ये जो आपने पढ़ा होगा, ये जो क्वेश्चन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी के टर्म में होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात वाला समीकरण है। तो यहाँ से x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है कुछ भी नहीं है, वहां पे 1 है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे क्या है x स्क्वायर मीन्स कि इसका जो कोफिशिएंट है कुछ भी नहीं है। तो इसको मैंने ब्रेक किया, ब्रेक करने का रूल क्या होता है, इसको ऐसे टू पार्ट में ब्रेक करते हैं कि दोनों को ऐड या सबट्रैक्ट मीन्स कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 5 आना चाहिए, और दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन गुणा करने पर 6 आना चाहिए, है ना। यहाँ से मैंने क्या किया, 2 और 3 लिया, 2 और 3, 2 3 क्या 6, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2y माइनस 3y को आप ऐड करेंगे तो माइनस 5y होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे बेटा, कॉमन लेंगे, यहाँ से आपका कॉमन होगा, और इसमें ये टू पार्ट है, यहाँ से आपका क्या कॉमन होगा y, जब आप y कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या लेफ्ट होगा, y स्क्वायर एक y लेफ्ट होगा, और माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा 2। ओके, फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ मिलेगा y माइनस 2, है ना। ये y माइनस 2 और y माइनस 2 इस पूरे इक्वेशन में क्या है कॉमन, मीन्स की इसको आप हिंदी में वैनिश कहते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y माइनस 2 तो कॉमन हो गया, यहाँ से क्या मिलेगा ये y, और ये क्या मिलेगा माइनस 3। इसका फैक्टर यहाँ पे राइट करेंगे, फैक्टर मीन्स की गुणनफल इक्वल टू क्या मिला आपको, y माइनस 2 y माइनस 3। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसलिए यहाँ पे क्या है मीन्स की इसका एक्सपोनेंट 2 था, 2 वेरिएबल, इसके 2 फैक्टर मिले, एक y माइनस 2 और y माइनस 3। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ में यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाला नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे तो आप उसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं। थैंक यू।